मैं अभी देख के आया हूँ एक बायोग्राफिकल ड्रामा स्वतंत्र वीर सावरकर, जो कि वीर सावरकर जी के जीवन पर आधारित है। इस मूवी की कहानी पूरी तरह स्वतंत्र वीर सावरकर जी के जीवन को फॉलो करती है। ये पूरी तरह एक बायोग्राफी है। इसमें यूज किए गए ऑलमोस्ट सारे ही तथ्य और फैक्ट या तो किसी किताब, किसी अखबार या अन्य ऐसी चीजों से लिए गए हैं जो कि क्रेडिबल है। जैसे जैसे हम इस कहानी को देखते हैं तो हमें पता चलता है कि हमारे देश को आजाद कराने के लिए इतने सारे क्रांतिकारी एक साथ जुटे हुए हैं। जहां पर भी जिस किसी को कोई मौका मिल रहा है अपने देश के लिए, अपनी भारत माता को आजाद कराने के लिए, उनकी सेवा करने का, वो हर एक तरह से हर एक क्रांतिकारी अपना योगदान दे रहा है। भले ही वो महात्मा गांधी हो, B.R. अम्बेडकर हो या अपने वीर सावरकर हो। इन सभी को भारत को आजाद कराने का तरीका अलग अलग है। कोई पढ़ के कराना चाहता है, कोई धीरे धीरे ड्राफ्टिंग करके कराना चाहता है, तो कोई छीन लेना चाहता है। लेकिन अंतिम उद्देश्य जो कि भारत को आजाद कराना, उसके लिए ये एक साथ रहना चाहते हैं। जब अंग्रेज द्वितीय विश्व युद्ध से पहले भारत को आजाद करने की बात करते हैं तो वो हर पक्ष के नेता को बुलाते हैं और उनसे उनके अलग अलग विचार मांगते हैं, और उन सभी के विचारों में एक बात कॉमन थी कि हमारा भारत आजाद होना चाहिए। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि स्वतंत्र वीर सावरकर के ऊपर ना ही तो ज्यादा मूवी बनी है, ना ही कोई आपने नाटक देखा होगा, और किताबों में भी बहुत कम जानकारी सीमित रह गई है। ये कभी कोई नहीं बताता कि क्यों एक बंदे को 2 जन्म कारावास की सजा हो जाती है, उन्होंने ऐसा क्या किया कि ब्रिटिश सरकार इतनी डर गई। और दूसरी ओर हमें दिखाती है कि उनके जीवन में उन्होंने क्या क्या संघर्ष किया। सिर्फ उन्होंने नहीं, उनकी इस जिद के कारण कि मैं भारत माता को आजाद करा के रहूंगा, अपनी आजादी छीन लूंगा, इसके कारण उनके परिवार को क्या क्या सहना पड़ा, कि कैसे उनकी गैर मौजूदगी में उनके भाई को भी जेल हो गई, और वो खुद भी काला पानी की सजा में है और उनके भाई भी, दोनों एक ही जेल में हैं। एक ही जेल में होने के बावजूद वो 6 साल बाद एक दूसरे को देखते हैं, और जैसे ही देखते हैं इतनी ही देर में पुलिस उनको पकड़ के ले जाती है और अलग कर देती है। वो दुख कि तुमने 6 साल बाद अपने किसी को देखा लेकिन उसे जी भर के देख भी नहीं पाए, और कैसे उनको खाने को कुछ नहीं दिया जा रहा है, कुछ ऐसी चीजें खाने को दी जा रही है जिससे कि उनकी तबीयत और ज्यादा बद से बदतर हो जाए। और एक आपको एक बहुत अच्छा सीन देखने को मिलेगा कि जैसे कि हम अपने क्रांतिकारियों को एक नजरिए से देखते हैं, बहुत इज्जत के नजरिए से, लेकिन क्रांतिकारी आपस में एक दूसरे को किस नजरिए से देखते हैं, जब उनकी बातचीत होती है तो वो क्या एक माहौल होता है वहां पर। जैसा कि एक जगह दिखाया भी गया है कि जब वीर सावरकर जी को आजादी के लिए महात्मा गांधी पत्र लिखते हैं तो सावरकर जी कहते हैं अब गांधी इतना बड़ा हो गया। और ऐसे ही अलग अलग क्रांतिकारियों से कैसे एक दूसरे के इंटरेक्शन होते हैं ये हमें देखने को मिलता है, और ज्यादातर फोकस वीर सावरकर जी पर ही रहता है। इस मूवी की कास्टिंग और क्रो को तो आप इसके ट्रेलर में देख के समझ ही चुके हैं। लगभग सभी स्वतंत्रता सेनानियों को और उनके योगदान को भले ही कम समय मिला हो लेकिन स्क्रीन पे समय जरूर दिया गया। तो हम सबकी बात तो नहीं कर सकते, लेकिन जो मेन लीड में है, जिन पर ये पूरी मूवी फोकस करती है, रणदीप हुड्डा जो कि वीर सावरकर के किरदार में है, मैं एक बात तो यकीन से कह सकता हूँ कि अगर आपने कभी भी वीर सावरकर को फोटो में देखा है और रणदीप हुड्डा को इस अवतार में देखोगे तो यकीन मानो आप फर्क ही नहीं कर पाओगे। और जिस तरह से उन्होंने वो कैरेक्टर पुल ऑफ किया है, पूरे समय आपको लगेगा कि स्क्रीन पर रणदीप हुड्डा नहीं वीर सावरकर जी है। जिस तरह से रणदीप हुड्डा ने वीर सावरकर जी का एटीट्यूड, बॉडी लैंग्वेज, और यहाँ तक कि उन्होंने अपना इतना वजन कम किया और उन्होंने खुद को इस हद तक ट्रांसफॉर्म किया कि उनकी बॉडी लैंग्वेज वीर सावरकर जी से पूरी तरह मैच हो जाए। अगर आपने कभी इमेजिन किया है कि वीर सावरकर जी कैसे दिखते होंगे, कैसे वो चलते फिरते होंगे, तो ये मूवी उसका परफेक्ट एग्जाम्पल है। अंकिता लोखंडे जो कि वीर सावरकर जी की पत्नी का किरदार निभा रही है, आप इनकी एक्टिंग इस तरह पहचानोगे ना कि आप इनके फैन होके इस मूवी से बाहर निकलोगे, क्योंकि जब जब वो सावरकर जी के सामने आती हैं तो उनके मन में कुछ और चल रहा है, वो कह कुछ और रही है कि मत जाओ यात्रा पे, लेकिन वो अंदर से चाहती भी है कि भाई देश को आजाद कराने के लिए अगर मेरे पति ये कदम उठा रहे हैं तो मैं उनको सपोर्ट भी करती हूँ। वो जो कॉन्फ्लिक्ट है जो कि उनके दिमाग और शब्दों के बीच में है, वो आपको उनकी आंखों से, उनके चेहरे से, उनके एक्सप्रेशन से देखने को मिलेगा कि इतना परेशान होने के बाद भी जब भी पुलिस आती है, उन्हें परेशान करती है, बहुत सारी चीजें होती हैं, लेकिन वो जब भी सावरकर जी से मिलती हैं उनकी आंखों में एक भावना है कि आप सही रास्ते पे हो और एक दिन आप हमारे देश को आजाद जरूर करा लो। एक बहुत जरूरी कैरेक्टर अमित सियाल जी जो कि वीर सावरकर के बड़े भाई का किरदार निभा रहे हैं, पूरी मूवी में जो आप इनकी ट्रांसफॉर्मेशन देखोगे कि कैसे ये पिता की तरह उन्हें पालते हैं, फिर जब ये बड़े होते हैं तो उनसे ऑर्डर्स भी ले रहे हैं, और जब अंत समय आता है तो कैसे एक दूसरे को भाई की तरह, एक दूसरे को पिता की तरह संभालते हैं, और अलग अलग चीजों में जहां पर जिसकी ज्यादा आवश्यकता है वो अपने कारनामे करके दिखाता है। इनकी एक्टिंग इस तरह समझ सकते हैं कि जब रणदीप हुड्डा स्क्रीन पे हो और कोई और उनकी लाइमलाइट ले जाए तो वो कोई और नहीं अमित सियाल ही कर सकते हैं। इस मूवी को डायरेक्ट किया है रणदीप हुड्डा ने, कंफ्यूजन हो रहा है ना कि ये तो मेन लीड में थे, भाई डायरेक्ट भी इन्होंने खुद ही किया है। जो इनका काम है एज अ डायरेक्टर, अगर मैं सिर्फ उसकी बात करूं, मैं एक्टिंग वाले डिपार्टमेंट को एक साइड रख देता हूं,
तो आप यकीन नहीं मानोगे, पहले तो इस मूवी को देख के ना मुझे ना किसी और को लग ही नहीं सकता कि ये एज अ डायरेक्टर उनका पहला काम है। दूसरी बात ये है कि अगर आप एक एक्शन मूवी बना रहे हैं, एक एंटरटेनिंग मूवी बना रहे हैं, तो उसमें आपके पास गलती करने का ऑप्शन होता है कि अगर आपने गलती कर भी दी तो पब्लिक माफ कर देगी। लेकिन जब आप एक बायोग्राफी बनाते हैं, वो भी एक ऐसे व्यक्ति के ऊपर जिसके बारे में कहानियां और फैक्ट पब्लिक में अवेलेबल नहीं है, उसके लिए जिस लेवल की रिसर्च चाहिए वो, और जो एक डेडिकेशन होती है ना डायरेक्टर के बीच, उसमें रणदीप हुड्डा ने महारत हासिल कर ली है। जैसे कि मैं बहुत बड़ा फैन हूँ इस चीज का कि अगर कोई डायरेक्टर है वो विजन देखता है तो उसको पूरा करने के लिए एक्टर को भी पूरी ही मेहनत करनी पड़ती है। और यहाँ पे जो हमें कॉम्बो देखने को मिलता है कि इन्होंने खुद ही वो विजन देखा और किस तरह से उसे स्क्रीन पे प्रेजेंट करना है, उसके लिए एक्टिंग भी खुद करते हैं। ये मानो अगर आपने इससे पहले रणदीप हुड्डा का कोई भी काम नहीं देखा है, भाई फैन हो जाओगे एज ए एक्टर, एज ए डायरेक्टर और जो भी उन्होंने किया है। अंत में एक सवाल रह जाता है कि मुझे मूवी देखनी भी चाहिए या नहीं देखनी चाहिए। तो अगर तुम अपने बिलीफ को चैलेंज कर सकते हो, अगर तुम्हें सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं चाहिए, तुम एक बायोग्राफी देख सकते हो, अगर तुम ओपनहाइमर जैसी मूवी देख सकते हो कि जहां पे कुछ अच्छा चल रहा है वो भले ही मजेदार ना हो लेकिन वो चलता जा रहा है और तुम्हें देखने में अच्छा लग रहा है, तो जरूर इसके लिए जा सकते हो। मैं तो कहूंगा परिवार के साथ जा सकते हो। कुछ डिस्टर्बिंग सीन्स हैं लेकिन वो ऐसा नहीं है कि जबरदस्ती डाल दिए गए हैं, वो इसलिए है क्योंकि जो उनके साथ हुआ उसे हम तक पहुंचाने के लिए। तो मैं तो एक ही बात कहूंगा, अगर अपने देश के सच्चे हीरोज के बारे में जानना चाहते हो, मैं इन सोशल मीडिया के हीरो की बात नहीं कर रहा हूँ, जो रियल हीरोज हैं अगर उनके बारे में कुछ जानना चाहते हो तो जरूर ये मूवी खुद भी जाओ, परिवार के साथ देख लो। मैं तो कह रहा हूँ होली पे अपने दोस्तों के साथ प्लान बनाओ, सारे देख के आओ।